आप समय और स्थान की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं। महाकाल मंदिर में जिस लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसकी प्रकृति बेहद असाधारण है। यह आपको अस्तित्व की जड़ों से हिला देगा। ये प्राण प्रतिष्ठा वाकई अद्भुत है। इसका एकमात्र मकसद है कि ये किसी तरह आपको विलीन कर दे। इस मंदिर में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह आपको अंदर से हिला देता है। हर दिन महाकाल को जो भेंट अर्पित की जाती है वो शमशान से लाई गई ताजा राख है, क्योंकि उन्हें यही पसंद है और वो जैसे हैं उन्हें वैसा बनाए रखती है। दुर्भाग्य से मैंने सुना है कि हम इतने सभ्य होते जा रहे हैं, अब शायद कुछ आंदोलनकारियों के विरोध के कारण वो शमशान की राख का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य से वो गाय या बैल के गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ संस्कृति से जुड़ी चीज नहीं है, इसके पीछे एक विज्ञान है। अगर हम शमशान से राख लाएं और कोई दूसरी राख लाएं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि दोनों में क्या फर्क है। अनुभव के स्तर पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया को जारी रखा जाए, क्योंकि महाकाल का स्वभाव यही है। इस महाकाल रूप की मौजूदगी ही ऐसी है कि आपके वहां जाने पर सब कुछ विलीन हो जाता है, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसका अर्थ है कि आप भौतिक से मुक्त हो जाते हैं। यह आपको परम मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर आप इसे कोमलता से करना चाहते हैं तो हमारे पास यहां सब कुछ है। अगर आप उसे जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप वाकई जोर का धक्का चाहते हैं और आप कमजोर दिल वाले नहीं हैं, तो महाकाल मंदिर एक अद्भुत प्रक्रिया है।